हेलो नंबर एक बात नंबर ये है कि हमारे बाजार के व्यापारियों का सबका ये विरोध है कि बाजार के सारे रास्ते बंद कर दिए। आज हमारा बाजार 20,000 आदमी को 15,000 एम्प्लाई जो काम देता है, आज लॉकडाउन में ये पोजीशन हो गई है, 70% फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और यहाँ से बेचारा गरीब आदमी अपने कमरे का किराया नहीं दे पा रहा। और आज इन लोगों ने क्या किया है, जो बाजार से ही सारा फंड जाता है, फटी सारी बाजार से जाती है, बाजार सारा टैक्स भरता है। अरे ये बाजार में क्या नहीं होता, ये प्रशासन को भी पता बाजार में क्या नहीं होता, उसके बावजूद क्या है, प्रशासन ने बाजार के सारे रास्ते बंद कर दिए। ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है, हमारे जो यहाँ के पार्क हैं वो तो बेखुर्द पड़े हैं। पार्कों के पौधे ला के लगा दिए, चेयर ला के लगा दी, पहले इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट बढ़ा दी। तो हमारा प्रशासन से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि हमारे बाजार को साफ सुथरा किसी प्रकार की इंक्रोचमेंट ना करें। ये देखो इन्होंने क्या लगा दिए, आप सारे बाजार का बनाओ वहाँ से वहाँ तक, ये चेयर लगा दिए, कर दिया, पहली जगह नहीं है। अगर कल को आज आप एक बताओ, आप सारे बाजार का वहाँ से वहाँ तक मुआयना करो, इस समय अगर अभी कहीं आग लग जाती है या कुछ हो जाती है तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, आप मुझे बताओ। बट यही चीज इनका पहला था, जिस प्रकार ट्रैफिक अंदर आता था उसी में भी कुछ हादसा होता, ट्रैफिक आना चाहिए, ट्रैफिक के बावजूद हिसाब से होना चाहिए। टू व्हीलर तो आए, टू व्हीलर तो जो माल व्यापारी का कैसे आएगा। हमने कल पार्षद से बात करी और नगर निगम से कमिश्नर से बात करी, माल कैसे आएगा, कहता है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे से पहले माल आएगा। हमने की 11 बजे तो नो एंट्री खुलती है, 11 से 4 नो एंट्री खुलती है। अगर 9 व्हीकल तुम कर रहे हो तो व्यापारी क्या पूरी रात दुकान पर बैठा रहेगा। तो उन्होंने कहा तुम जैसे करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने प्रशासन को एक ही जवाब दिया है, बाजार हमारा है, बाजार के मालिक हमें, तुम 2 साल के लिए आए हो सिर्फ, तुम हमारे बाजार के मालिक नहीं हो, जितने भी आए हो तुम हमारे बाजार के मालिक नहीं हो, बाजार हमारा है, बाजार हमारे व्यापारियों का है, तो इसलिए आपने दुकानें बंद रखी है। हम अगर प्रशासन नहीं माना तो परमानेंट चलेंगी, ये कहते हैं परमानेंट रोड बंद, हम कहते हैं परमानेंट बाजार बंद। 100 की एक बात है, बाजार पहले हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। अगर परेशानी उग्र हो गया, व्यापारी उग्र हो गया, तो भैया जब रोजी रोटी में आवाज आती है ना आदमी की, तो आफत आ जाती है। आज हम एक हफ्ते से नहीं बोल रहे थे, अब हमारे को क्या किया गया, एक हफ्ते पहले जैसे नया बच्चा पैदा होता है ना तो पुरानी माँ होती है ना, तो बच्चे को लगा कर रखती है गोदी में अपने साथ। आज की माँ पता है क्या है, पैदा होते तो बच्चे को पिज्जा खाती है। मैं सरकार की बता रहा हूँ तुम्हारे को, पैदा होते पिज्जा खाएगी और 3 घंटे बाद बच्चे को मेड को दे देगी। ये बेटे नैन प्रोले सप्लाई दी, मैं जरा पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ का ये हाल हो रहा है, बाजार में काम है, सीमा छोड़ दो तो ये कब तक की रहेगा, सारे बाजार की बढ़िया करने में लगा हुआ हर कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि बाजार जैसा पहले था वैसे ही पहले होना चाहिए। मैं राजकुमार गोयल के अलावा ऐसा एक संयोजक प्रकोष भारतीय जनता पार्टी, बाजार जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, दुकानदारों को ना छोड़ो। हेलो दुकानदारों को काट दी जाएगी, लॉकडाउन में दुकानदार बहुत बर्बाद हो चुका है, धंधे नहीं है लोगों के, दुकानदार एम्प्लाई है उनको दे रहे अपना रोजगार दे रहे और उनको खाना पीने का उनकी व्यवस्था करते हैं दुकानदार। तो अभी अगर दुकानें सेम जैसा नहीं होती, क्या अगला एक्शन होगा भाई? यही दुकान बंद रखते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जितेंद्र गर्ग आया, अभी आके उसने ठगा से जवाब दे दिया, कल जाओ तुमने और एकदम कह के चला गया। बताओ ये तरीका थोड़ी है, तू हमारा अफसर है, कोई सोल्यूशन निकाल, तू कह के चला गया ठगा सा। और इस जितेंद्र गर्ग की तो बदली होनी चाहिए। मैं तो कट्टर जी से आपको ऊपर सरकार से निवेदन, इस कट्टर इसकी जितेंद्र गर्ग की बदली होनी चाहिए यहाँ से। तो जो तानाशाही अफसर है ना, वो कभी नहीं रहा, खुल्ला रहा था। डॉक्टर परवीन आया, वो भी ना रहे, वो भी तो सब थे, ये क्या रहेगा? दुकानदार आप जानो, ठीक है ना जी।